हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। दोस्तों, डेफिनेटली यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप क्वालिटी से रिलेटेड होंगे या स्टैंडर्ड रूम में वर्क कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जब भी आपके यहाँ पे कोई ऑडिट होती है, और डेफिनेटली आप क्वालिटी में काम कर रहे होंगे तो ऑडिट्स वगैरह के बारे में आपको पता ही होगा। स्टैंडर्ड रूम में काम कर रहे हैं तो आपको ऑडिट्स तो आप बहुत सारी फेस करते होंगे। ऑडिट एक ऐसी चीज है जो कि हर एक कंपनी में कॉमन होती है, हर एक कंपनी में मोस्टली ऑडिट्स होती ही रहती हैं। यदि बात करें फ्रिक्वेंटली तो एक एक दो दो महीने में तीन तीन ऑडिट हो जाती हैं, और हर एक ऑडिट का कॉमन सा एक फंडा होता है। जब भी कोई, चाहे कस्टमर ऑडिट हो, चाहे कोई स्टैंडर्ड से रिलेटेड जैसे IATF की ऑडिट हो गई, IASO की ऑडिट हो गई, कोई भी ऑडिट आप ले लो, तो हर एक ऑडिट में एक सिंपल सा वर्ड्स आता है कि कैलिब्रेशन। इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज करते हो, इंस्ट्रूमेंट गेजेज या इक्विपमेंट्स जितने भी आप अपनी कंपनी में यूज करते हो, बहुत सारे नॉर्मली इंडस्ट्रीज में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, बहुत सारे गेजेज यूज होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। तो दोस्तों, हमेशा जब भी ऑडिटर आएगा तो शॉप फ्लोर में क्या करता है, वो एक दो इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ लेता है और बोलेगा इनका कैलिब्रेशन दिखाओ, कैलिब्रेशन इनका कहाँ है। और यदि ऑडिटर ज़्यादा डीप में जाना चाहेगा तो आपसे बहुत सारी चीज़ें तरह तरह की पूछता है कि इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट दिखाओ, मंथली कैलिब्रेशन प्लान दिखाओ, ईयरली कैलिब्रेशन प्लान दिखाओ, है ना, मास्टर लिस्ट दिखाओ, कौन कौन से मेक के हैं, कहाँ कहाँ से हैं, ठीक है, इनका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिखाओ, वो अदर थिंग्स है, वो चीज़ हम आज के अपने टॉपिक में डिस्कस नहीं करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा जिसमें हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज का बस हमारा जो टॉपिक है इतना है। इसमें आज हम जानेंगे कि जब भी ऑडिटर आपसे पूछता है कि इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप नॉर्मली जो आपके बर्नियर, माइक्रोमीटर या हाइट गेजेस वगैरह होते हैं, इसके लिए तो आप आसानी से कह देते हैं कि हाँ जी सर, कैलिब्रेशन हुआ है। यदि आप इंटरनल करते हैं तो इंटरनल बता देते हैं, और थर्ड पार्टी कराते हैं तो थर्ड पार्टी का कैलिब्रेशन बता देंगे, सर कराते हैं वहां से कराते हैं, ठीक है, और उसका सर्टिफिकेट भी दिखा देते हैं। बट दोस्तों, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका कि आप कैलिब्रेशन नहीं करा पाते। क्यों? क्योंकि हमेशा जब कैलिब्रेशन कराना होता है, वैसा रूल आ गया है कि उसमें NABL का लोगो होना चाहिए। जिस भी आप लेबोरेटरी से करा रहे हैं वो उस चीज के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट के लिए NABL एक्रीडेटेड होनी चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट उस लेबोरेटरी के स्कोप में होना चाहिए। तो आप लोगों को ये सारी चीजें कहां से पता चलेंगी? नॉर्मली आप जिस एजेंसी से करा रहे होंगे तो उससे आप पूछेंगे, तो एजेंसी वाला सिंपल वर्ड्स में कहता है, नहीं 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 जी, इसका कैलिब्रेशन तो दुनिया में कहीं नहीं होता है, और आप मान के बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप ऐसे करते हैं, आप लोगों को नहीं पता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन आप कहां से करा सकते हैं, तो आज अपने इस सेशन में मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। और यदि आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मेरे से डेफिनेटली पूछ सकते हैं, और हर एक आपका डाउट, जो भी क्वेरी है, उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा, तुरंत सोल्यूशन मिलेगा। तो दोस्तों, आज के अपने सेशन में हम जानेंगे कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ से कैलिब्रेशन करा सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन के लिए कौन सी लेबोरेटरी NABL एक्रीडेटेड है, कौन सी लेबोरेटरी NABL एक्रीडेटेड नहीं है, आपके एरिया में कौन कौन सी NABL एक्रीडेटेड लेबोरेटरी हैं, किसी भी लेबोरेटरी का स्कोप आप कैसे देखें कि किस लेबोरेटरी के स्कोप में कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, किसी भी लेबोरेटरी का स्कोप और एक्रीडेशन आप कैसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ लेबोरेटरीज क्या करती हैं कि उनका एक्रीडेशन जैसे खत्म होने वाला होता है तो वो उसमें एडिट करके, आजकल हर एक फाइल एडिट हो जाती है नॉर्मली, ठीक है, ऑनलाइन वेट कर सकते हो, कैसे भी आप फाइल्स वगैरह एडिट हो जाती हैं। तो यदि मान लीजिए एक्रीडेशन भी 6 महीने पहले खत्म हुआ होगा तो उसमें क्या करती हैं, एडिट करके और उसको 1 साल का बना लेती हैं, उसके बाद NABL से उनको एक्रीडेशन मिल जाता है। तो आप कैसे लाइव किसी भी लेबोरेटरी का एक्रीडेशन चेक कर सकते हैं, कब तक के लिए ये, किस टाइम पीरियड के लिए एक्रीडेटेड है, और किस टाइम पीरियड के लिए कब इसका एक्रीडेशन खत्म हो रहा है, तो वो सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं। सिंपल आपको ये वेबसाइट देखनी, www.navl-india.org, ये वेबसाइट आपको रट लेनी है,
इसको आपको यहां से कॉपी करना है। और अब चलिए जाके हम देखते हैं, गूगल खोलना है और गूगल में जाके इसको हम पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है और कैसे कैसे आप हर एक चीज बहुत ही आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम चलते हैं और देखते हैं कि आप कैसे हर एक चीज अपने सिस्टम में बैठे बैठे सर्च कर सकते हैं। आपको ना तो किसी से पूछने की जरूरत है और ना ही कहीं भटकने की जरूरत है, आप सब कुछ अपने सिस्टम में देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए मैंने गूगल का होम पेज ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको सिंपल टाइप कर देना है www.navl-india.org और इसको आपको एंटर मार देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये कुछ आपके सामने ऐसा खुल के आ जाएगा। इसमें आपको सिंपल वेलकम टू द एनएवीएल इंडिया को क्लिक करना है। जैसे आप ये क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने एक बढ़िया सा एनएवीएल का होम पेज खुल के आ जाएगा। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें, जो चीजें इसमें नई हैं कुछ, जैसे एनएबीएल एक्रीडेशन फॉर द मेडिकल टेस्टिंग लेबोरेटरीज, ये यहाँ पे ब्लिंक करता रहेगा। अप्लाई फॉर द एनएबीएल मेडिकल एंट्रीज लेवल टेस्टिंग, ठीक है, कोई टेस्टिंग वगैरह देना तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देन इसमें आपको कोई ड्रिंकिंग वाटर की टेस्टिंग करानी है तो आप इसमें जाके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये बहुत सारी चीजें ऐसे यहाँ पे इसमें नई नई, जो कोई नया अपडेट्स आता है वो यहाँ पे इसमें ब्लिंक करता रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप न्यू अनाउंसमेंट्स जितने भी हैं वो यहाँ पे आपके ब्लिंक कर रहे हैं। क्लैरिफिकेशन ऑन द यूनिक लेबोरेटरी रिपोर्ट्स ULR नंबर्स, तो ये सारी चीजें यहाँ पे ऐसे आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से अपने सीट में बैठे बैठे। प्लस एनएबीएल का जो ग्रांट एक्रीडेशन है, ठीक है, टेस्टिंग लेबोरेटरी एज पर ISO/IEC 17025, तो एनएबीएल हमेशा इस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में आपको एक्रीडेशन देता है किसी भी लेबोरेटरीज को कैलिब्रेशन करने के लिए। कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज एज पर ISO 1725, मेडिकल लेबोरेटरीज एज पर ISO 15189, तो यहाँ से भी जाके आप आसानी से देख सकते हैं। प्लस अब मैंने जैसे बात करी थी आपसे कि आप किसी भी लेबोरेटरी को कैसे सर्च करें कि आपके एरिया में कौन कौन सी लेबोरेटरी हैं, या कि आपको इसे बर्नियर का ही कैलिब्रेशन करवाना है तो उसके लिए किस किस लेबोरेटरी के पास में स्कोप है, ये इसका जैसे एनएबीएल का होम पेज है, तो यहाँ से आप एनएबीएल के बारे में जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। कोई ट्रेनिंग्स वगैरह आपको लेनी है यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देख सकते हो। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं लेबोरेटरी सर्च में आपको जाना है, ठीक है, और किसी भी लेबोरेटरी का आपको जैसे एक्रीडेशन देखना है तो यहाँ से आपको एक्रीडेशन, तो जैसे ही आप यहाँ पे एक्रीडेटेड लेबोरेटरीज में आ जाएंगे इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा होम पेज खुल के आ जाएगा। अब हमको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेना है इंडिया, ठीक है, अब चलना है हमको नीचे। जैसे आपको बर्नियर, यदि आपको देखना है बर्नियर कैलिपर, तो यहाँ पे लिखेंगे बर्नियर और इसमें आपको सिंपल सर्च कर देना है बर्नियर लिख के। आप यहाँ देखेंगे कि नीचे बहुत सारे रिजल्ट सभी इसके निकल के आएंगे। तो इंडिया में जितनी भी बर्नियर कैलिपर को कैलिब्रेट करने के लिए जितनी भी एजेंसीज होंगी सब निकल के सामने आ जाएंगी। ये यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि टोटल 70 रिजल्ट्स आपके सामने आ चुके हैं। तो यहाँ से जैसे कि ये कोई है एक्यूरेट इंजीनियरिंग को प्राइवेट लिमिटेड, तो ये तो बहुत सारे आपके सामने आ चुके हैं ये सारे रिजल्ट्स। इन्हीं पे आप यहाँ पे जाके आगे 1 2 3 4 5 करके देख सकते हैं, ठीक है। अब इन्हीं में यदि आपको इनका स्कोप देखना है जैसे, तो सिंपल आपको क्या करना है, ये जैसे आप लिखा है क्लिक हियर टू व्यू द स्कोप ऑफ एक्रीडेशन, तो यहाँ पे आप क्लिक करें, ये इसका आपके सामने स्कोप
आप एक्रीडिएशन सर्टिफिकेट नंबर खुल के आ गया है। इसमें यदि आप क्लिक करेंगे तो इसका एक्रीडिएशन सामने आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्रीडिएशन चाहिए, स्कोप ऑफ एक्रीडिएशन चाहिए, तो यहाँ पे हमको सर्टिफिकेट ऑफ एक्रीडिएशन भी देख लेते हैं और स्कोप ऑफ एक्रीडिएशन भी देख लेते हैं। तो देखिए सर्टिफिकेट ऑफ एक्रीडिएशन ये डाउनलोड होके आ गया। ये देखिए हमने किसका किया था, एक्यूरेट इंजीनियरिंग को प्राइवेट लिमिटेड का, जैसे हमने किया था। तो ये पूरा सर्टिफिकेट डाउनलोड होके आ गया, आईएसओ आईसी 1725 2017। अभी कब तक के लिए एक्रीडिटेड कर रखा है इसको, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। सर्टिफिकेट नंबर इसका ये है 2006/2020 से लेके वैलिड है, कब तक, 5/2/22 तक के लिए वैलिड। दैट मीन्स कि अभी सही है। तो यहाँ से आप इस तरह से इसको लाइव देख सकते हैं। देन इसका आप देख रहे थे, आपने स्कोप ऑफ एक्रीडिटेशन देख लिया, अब इसका आपको स्कोप देखना है कि इसके स्कोप में क्या क्या है। तो यहाँ से आप सिंपल इसका स्कोप देख सकते हैं, स्कोप भी डाउनलोड होके आ गया है। ये देखिए इसके स्कोप में क्या क्या, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसका एक कैलिब्रेशन कर सकता है। तो दोस्तों सिंपल, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने सिस्टम पे आप बैठे बैठे सारी चीज़ें देख सकते हैं और सारी चीज़ों का सोल्यूशन ले सकते हैं। आपको किसी लेबोरेटरी से भी नहीं पूछना है कि भाई तुम्हारा स्कोप क्या है और इन चीज़ों का कैलिब्रेशन आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं और आप घर बैठे अपने सिस्टम में बैठ के सारी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे जैसे आप बर्नियर सर्च मारा तो बर्नियर आ गया, अदर इंस्ट्रूमेंट जैसे सर्च मारेंगे तो अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी ऐसे निकल के आ जाएंगे। यदि आपको इसी में, जैसे कि आपको जोन वाइज सर्च करना है तो जोन वाइज कर सकते हैं, आईडी है तो आईडी सर्च कर सकते हैं, किसी सिटी के लिए प्रॉपर चेक करना है तो उसके बेस में कर सकते हैं, यदि आपको फील्ड वाइज चेक करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप डालें कैलिब्रेशन फील्ड के लिए तो ऐसी सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। जैसे मैं कैलिब्रेशन फ्लूड के लिए सेलेक्ट कर दूँ तो फ्लूड में ये सारी चीज़ें निकल गई, फ्लो मेजरिंग और ये सारी चीज़ें, डिवाइसेस। तो इस तरह आप किसी का भी कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, स्कोप, एक्रीडेशन, ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं अपने घर बैठे और सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। किसी के ऊपर आपको डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको आप लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आज का सेशन आपको कैसा लगा। यदि आपकी कोई क्वेरीज वगैरह होती हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता दें, और यदि कुछ आप इससे अलग हटके यदि कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरीज वगैरह वैसे होती है कि आपको इमीडिएट सोल्यूशन लेना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं और सोल्यूशन ले सकते हैं, चाहें तो आप मेल कर सकते हैं, मेल पर सोल्यूशन ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।